खबर छतरपुर की है, जहां जिले के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और उन्होंने खुले आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे भी छोड़े। इसके साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम में मौजूद जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिले वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी से राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करने की भी अपील की। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छतरपुर जिले के सभी वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा पर्व आयोजित हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिला स्तर का कार्यक्रम। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति परेड के द्वारा भी करी गई, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति कल्चरल परफॉर्मेंस की भी थी। और जो सम्मानित जिन कर्मचारियों ने अच्छा काम किया उनको हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। इस अवसर पर सभी लोगों से यही अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर को खूब जोर शोर से मनाएं, देशभक्ति की भावना रखें, अच्छा कार्य करें, अपने सराउंडिंग्स को साफ रखें, स्वच्छ रखें और लोगों की मदद करें। बस यही भावनाओं के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये पहली बार है कि जब हमारे छतरपुर जिले में परेड की कमांड, परेड की टवाईसी दोनों ही महिला अधिकारी थे और महिलाओं ने पूरे परेड में बहुत अच्छा नेतृत्व किया है। उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के आधार पर पुलिस बैंड ने भी इस बार परफॉर्म किया है। पूरा ट्रेन होकर के आए हैं पुलिस बैंड के लोग और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और बेहतर और अच्छी देशभक्ति की धुनों के साथ हम लोग अपने राष्ट्रीय पर्वों को सेलिब्रेट करेंगे।